प्रश्न नंबर सातवां देखिए, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है SN, जिसमें डे बराबर कितना है, डे बराबर है 7, और 22वां पद उसने दे रखा है, यानी कि 22 पदों का योग ज्ञात करना, तो AN बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर 149। ठीक है, और 22 पदों का योग ज्ञात करना, तो 22वां अब यहाँ पर एन ज्ञात करना, 22 पदों का योग SN ज्ञात करना, एक तो SN बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर SN का फार्मूला क्या अपने पास, SN बराबर होता है N/2 ए प्लस का AN। ठीक है, तो अब यहाँ पर A अपन को पता नहीं, क्या पता नहीं है, A, और 22 पद उसने दे रखा है, तो N बराबर भी अपने पास कितने हो गए 22। ठीक है, तो D है अपने पास, A नहीं है, तो A ज्ञात करने के लिए क्या है, N वा पद, तो A प्लस का N-1 और D, AN कितना दे रखा है 149, ये 149 रख दिया, बराबर A कितना है, A ज्ञात करना, तो ये ऐसा से N कितना है 22, ये 22। ठीक है, और D कितना है यहाँ पर 7, ये 7 हो गया। तो अब यहाँ पर जो ज्ञात करना, सिर्फ A ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है A, तो 149 बराबर A प्लस का, इन दोनों का माइनस करो, कितना 22 में से अगर A गया कितना बचा 21 बचा, और ये 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर 149 बराबर इन दोनों का आपस में क्या करो, इनटू करो, करो इनटू, 7 × 7 और 7 × 2 = 14, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको इस साइड लाइए आप, तो 149 माइनस का 147 बराबर ए, तो ए बराबर जो आया अपने पास कितना आया 2, कितना 2, ए ज्ञात हो चुका अपने पास। अब किस क्या याद करना, SN 22 पदों तक का योग, प्रश्न बोल रहा है सातवां है अपने पास, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना, तो 22 पदों का योग ज्ञात करना, तो एस 22 बराबर क्या होगा N/2, यानी N की जगह कितना लिखेंगे 22, तो 22/2। अब ए ज्ञात नहीं था अपने पास, तो ए कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 लिख दिया, प्लस AN कितना है 149, तो एस 22 बराबर होगा, इन दोनों को क्या करो काट दो 11, दोनों को प्लस करो कितना हो रहा 151, तो 22 पदों का योग क्या होगा 151 में 11 का मल्टीप्लाई करो 1 6 6 1 1 6 6 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, उत्तर